उसमें रह गया था रूट यस फाइव, सर, यस सर। हाँ। तो रूट फाइव का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कल मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन हम लोग कल फिर से करेंगे, रूट फाइव वाला मैंने बताया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें से फर्स्ट फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हमको करना है, बाकी दो तो मैंने बोला था कि ये तो डिवाइड वाले हैं, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, डिवाइड वाले हैं, सबको करने हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, रूट फाइव वाले। देखो रूट फाइव के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन हम लोग का। सबसे पहले सब लोग ध्यान देंगे कि मैंने कल एक्सप्लेन करते टाइम बोला था कि पहले हम लोग एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 5.000000, और ये जो जीरो हमने लिखे वो पेयर में लिखे, दो दो का एक पेयर बनेगा, दिख रहा है? तो राइट साइड में डेसिमल के राइट साइड में जो भी होंगे वो दो दो के पेयर में हम लोग जीरो लिखेंगे, बराबर पेयर में। और डेसिमल के पहले भी अगर दो डिजिट होते तो दो का एक पेयर बनेगा, यहाँ पे नहीं है इसलिए सिंगल का एक बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो टू लिखा है, टू क्यों लिखा, थ्री क्यों नहीं लिखा या वन क्यों नहीं लिखा? तो वी हैव टू चूज अ नंबर हुज स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू फाइव, मतलब नियरेस्ट होना चाहिए। वन का भी स्क्वायर लेंगे तो वन आएगा, बट इट इज मच लेस, बट टू जो है टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, विच इज नियरेस्ट टू द फाइव। इसके लिए हमको क्या लेना है, टू। अब ये टू यहाँ पे लिखा हमने, वही टू नीचे भी लिखेंगे और वही टू यहाँ पे भी लिखेंगे, तो तीन बार लिखना है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको टोटल किया, इसको क्या किया, देखो टू पहले यहाँ पे था, उसके नीचे टू लिखा और यहाँ पे टू लिखा, तीन जगह टू लिखा, ठीक है। अब ये टू मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो टू मल्टीप्लाई हो गया टू से, तो आ गया आंसर फोर। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस, समझा सबको इतना? तो ये प्लस किया तो टू प्लस टू फोर हो गया और फाइव माइनस फोर हो गया वन, ठीक है। अब इसके बाद ये टू कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने फोर लिखा, सिर्फ फोर, ठीक है, सिर्फ फोर है हमारे पास, इमेजिन करो सिर्फ फोर है, और यहाँ पे हमारे पास वन, और ये दो जीरो हमने क्या क्या कैरी किया, तो फोर है और साइड में हमारे पास है 100, ठीक है। तो ये जो फोर है इसके पास ऐसा कोई नंबर लिखना है, जैसे मान लो कि मैंने थ्री लिखा, तो ये थ्री को नीचे भी लिखेंगे और ये थ्री को 43 × 3 कर लो, कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 129, विच इज मोर देन दिस, ठीक है। तो थ्री नहीं लिख सकते, तो अब हम लोग लिखेंगे 4 2, ठीक है। तो टू लिखा तो कितना आ गया, 84, वो हमने लिख दिया, यानी कितना हो गया, 42 2 और 84, ठीक है। अब 42 2 कितना हो गया, 44 लिखा, ठीक है, और इधर माइनस किया, मतलब एक साइड में प्लस होता है एक साइड में माइनस, और ये जो नंबर आता है वो कैसे आता है, ये टू पूरे में मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 42 कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट ऐड करके 44 लिखा है, नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 3, 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 44 है, उसके बगल में अगर मैं 3 4 लिखता हूँ, सपोज मैंने 4 लिखा, तो 4 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 4 4 16, 4 4 16 17, 4 4 16 17, 1776, विच इज मोर देन दिस। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 443, तो 443 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 443 से, तो आएगा 1329, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये 3 यहाँ पे लिखा, 3 3 3 3, 3 बार, फिर वापस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस करेंगे हमको मिलेगा ये, माइनस करेंगे हमको मिलेगा 271, फिर वापस से 0 0 हम लोग कैरी कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, 6 क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 लिखूंगा तो वो इससे बहुत कम हो जाएगा, 7 लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हमको क्या करना है, 6, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 7 0 7 2 0 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई किया इसको, ये आ गया 26 7 9 6, ठीक है। वैसे वापस से यहाँ पे क्या ऐड किया तो 4 4 7 2 आ गया, और ये आ गया 304, जब हमने 0 0 कैरी किया तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये 0 0, बराबर। तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 4 7 2 0 मिलेगा, 4 4 7 2 0, और ये कितना हो गया, 304, बाद में 0 0 को कैरी कर लिया तो कितना हो गया, 4
3, 4, 7, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 2 ठीक है। सब लोग थोड़ा सा फिर से देखेंगे, पहले हम लोग को अगर 5 दिया है, सिर्फ 5, ध्यान से देखो सिर्फ 5 दिया है, तो ये 5 जो है एक नंबर ऐसा चूज करेंगे, 2 का स्क्वायर किया हमने, 4 लिखा बराबर, ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखना है, तो 2 2 4 लिखा हमने यहाँ पे, बाद में जो भी नंबर आएगा यहाँ पे लेफ्ट में प्लस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, तो हो गया 4 4 और 2 बराबर। 4 आने के बाद यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि जब 3 लिखेंगे तो ये नंबर 100 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हम लोग ने यहाँ पे लिखना है सिर्फ 2 लिखेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखा 84 आ गया ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट में प्लस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस किया हमने मिला हमको 44 और राइट में हमको माइनस किया आ गया 16, फिर दूसरा 2 0 था वो हमने कैरी कर लिया ठीक है, 16 आने के बाद फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1329, तो यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड करने का हमको ये मिला 446 ठीक है। फिर ये जो 6 है ये 6 कहाँ से मिला, अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 6 ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6। अब इसके बाद क्या हो गया 42720 ठीक है, 30400 समझ में आया, 2 भाई। अब ये 30400 क्यों आया, 30400 यहाँ पे से 0 हमने कैरी किया ना, अब 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, उसके बाद 44720 6 6 क्यों लिखा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में तो ये नंबर मिलेगा, अगर 7 से करूँगा तो 7 से, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 6 ठीक है, ये हो गया। तो आंसर हम लोग को मिला 2.2360666 आगे आते रहेगा, इसके लिए डॉट डॉट किया हुआ है, दिख रहा है कि ये डॉट डॉट ठीक है। सब लोग देख लो, किसी को क्या नहीं समझा वो वापस पूछ सकता है। चलो आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 हो चुका है लेकिन वापस से हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो 121 डिवाइड बाय 13, तो 121 को डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से, हमको मिल जाएगा ये डिवीजन, कुछ कुछ स्टूडेंट ने किया है, अच्छे है जिन्होंने किया हुआ सॉल्व, 121 को 13 से डिवाइड किया, और नेक्स्ट वाले में 29 को 8 से डिवाइड किया, तो 29 को 8 से डिवाइड किया तो हमको डायरेक्टली डिवाइड करके भी देख सकते हैं हम लोग डिवाइस ऑन कर दिया, म्यूट करो। हाँ तो 29 को हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 29 लिखा और यहाँ पे लिखा 8 8 3 24 5 पॉइंट किया 0 किया 8 7 का 1 मिनट ना। यहाँ पे आ गया 20 ठीक है, 8 2 16 3 4 0 8 5 तो 3.625 ये हमारे पास है 29 ठीक है, समझ में आया। तो सर जरूरी नहीं कि हमने ये जो किया है हम लोग डिवाइड करके भी कर सकते सर, सर अगर डिनोमिनेटर में कोई 2 से डिविजिबल नंबर हुआ तो उसको 10 या 100 ऐसा कुछ बना सकते हैं। हाँ तो ये किया है ना हमने 125 मल्टीप्लाई करके 1000 कर दिया, कर सकते हैं। हाँ सर वैसे तो, हाँ वैसे भी कर, अभी किया देखो उसको 8 को, अरे डिवाइस बंद करो जरा, ये 8 को हमने 125 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000 ओके, बाकी और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ना तो 10 आएगा ना तो 100 आएगा, तो वो अपने को ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसका चाहिए डायरेक्ट हमको दिया 29 डिवाइड बाई 8, तो हम लोग करते थे पहले 56 में वैसे भी कर लो, तो यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे किया 125 into 8, ऊपर किया 125 into 29, तो मिल गया हमको 3625/1000, तो आ गया 3.625, समझ में आया सबको, बस ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट सब लोग ले चुके हैं शायद, नहीं लिए तो फिर से ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने किया हुआ है, 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, किस तरह से किया याद है सबको? सपोज देखो, अज्यूम दैट 5 + √7 इज अ इरेशनल नंबर, टू डिवाइस बनकर प्रणव तेरा बहुत आवाज आ रहा है। 5 + √7 is a rational number. Suppose it is not an irrational, मतलब rational number. तो अब rational number है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 5 + √7 को? There are four prime integers a and b such that 5 + √7 is equal to a upon b. 5 + √7 is equal to a upon b. बराबर, अब ये 5 + √7 is equal to a upon b है, ये -5 उधर चला जाएगा, +5 उधर होके -5 हो जाएगा। अब a upon b जो है वो हम लोग का rational number है, 5 भी रैशनल नंबर है, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा? रैशनल नंबर। डिफरेंस भी क्या आएगा? रैशनल नंबर। बट √7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर एंड सो √7 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। बराबर, क्या समझा? a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर और 5 भी रैशनल नंबर, तो उनका जो डिफरेंस आएगा क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। इसका मतलब √7 क्या होना चाहिए? रैशनल। बट √7 रैशनल है क्या? नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज अ irrational number. ये क्यों आता है contradiction? This contradiction arises because we have assumed that 5 + √7 is a rational number. समझ में आया कि नहीं? तो ये wrong हमने assume किया, इसके लिए wrong आ रहा था, तो right क्या होगा? 5 + √7 is an irrational number. ठीक है, सब लोग इसको screenshot ले लो, simple है, हमने किया हुआ exercise में। ठीक है, आते हैं अब हम next question पे, ज़्यादा difficult नहीं है, easy question. चलो ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो, राइट द फॉलोइंग सर्च इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सर्च इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 3/4 √8, तो हम लोग को क्या करना है? 3/4 √8, हमको पता है कि जो 3/4 √8 जो है, रूट एट को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का जो रूट आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का 2, और अंदर बचेगा रूट 2, तो कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2, 3/2 √2, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, 5/9 √45, तो √45 को लिख सकते हैं 9 का रूट आएगा 3। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? -5/3 √। समझ में आया सबको? ये हमने किया भी है पहले एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या था? जो अंदर नंबर है रूट के अंदर, उसको कुछ इस तरह से लिखना जिसमें से उसका स्क्वायर रूट आ जाए। तो 8 को लिखा हमने 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और अंदर बचेगा √2, जिसका आएगा जिसका स्क्वायर रूट आएगा उसको बाहर ले आएगा, वो अंदर रहेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट 2 कैंसिल कर दिया, तो 3/2 √2 आ गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो 3 से 9 को कैंसिल कर दिया, आ गया -5/3 √5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते सब लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी को नहीं समझा तो पूछे प्लीज। चलो आते हैं, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर बताओ जिससे उसका रूट निकल जाए। ठीक है, तो रूट निकल जाए ऐसा, √32 है हमारे पास, और जो √32 है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √32। तो सबसे पहले हम लोग √32 को सिंप्लीफाइंग फैक्टर में लिखेंगे √32। √32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे √32 को क्या लिखा हुआ है, √32 को लिखा 16 × 2, और 16 का रूट आएगा 4, तो 4 √2 आ गया, मतलब
फोर रूट टू को अगर मैं सिर्फ रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू टू, फोर टू सा एट हो जाएगा बराबर। मतलब क्या हो गया, रूट निकालने के लिए रूट टू इज ओनली, रूट टू इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो हमको मिनिमम वाला ढूंढना है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट डायरेक्ट रूट थर्टी इंटू रूट थर्टी कर दो, तो ये सिंपलेस्ट थोड़ी हुआ, ये तो बड़ा नंबर हो गया ना। हमको छोटा नंबर ढूंढना है सिंपलेस्ट फॉर्म, समझ में आ। वैसे रूट फिफ्टी जो है, रूट फिफ्टी, रूट फिफ्टी को भी हम लोग क्या ले सकते हैं, ट्वेंटी फाइव टू का, देखो ट्वेंटी फाइव का रूट आएगा फाइव रूट टू, ठीक है। तो वापस से रूट टू मिल गया, रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ना, ये रूट निकल जाएगा। तो रूट टू इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब मुझे बताओ रूट ट्वेंटी सेवन है क्या होगा, रूट ट्वेंटी सेवन को नाइन थ्री नाइन इंटू थ्री, यस नाइन का रूट लेंगे तो कितना आएगा, थ्री रूट थ्री, वेरी गुड, ठीक है। तो रूट थ्री इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे जाते हैं थर्ड फोर्थ। किसी स्टूडेंट को डाउट, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री थ्री तो मैंने बता दिया, फिर भी वापस से देख लेते हैं हम लोग। रूट ट्वेंटी सेवन हमारे पास है, रूट ट्वेंटी सेवन को लिख सकते हैं नाइन इंटू थ्री, ओके। नाइन का रूट अगर हम लोग लेते हैं थ्री, रूट थ्री मिलेगा। रूट थ्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब थ्री अपॉन फाइव रूट टेन, अब यहाँ पे थ्री अपॉन फाइव रूट टेन है तो इसको रूट टेन से ही मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें रूट टेन को हम लोग कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिसमें से रूट आएगा, तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो रूट टेन, रूट टेन जो है, सॉरी रूट टेन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आया सबको, ठीक है। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, इजी इजी है। साक्षी दंदा ने, हेलो साक्षी दंदा ने है क्या, नेहा घरत, श्रुति घराते, नेहा गुप्ता, नितेश मौर्या है, नितेश मौर्या है कि नहीं, yes, sir. समझ में आ रहा है, yes, sir. चलो ठीक है। शोएब सानिया, यस सर, बिजी है, यस सर, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर हो गया है तो अब जाते हम लोग आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन आते हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये थ्री इंटू रूट सेवेंटी टू हमको दिया है बराबर। तो ये जो थ्री इंटू रूट सेवेंटी टू है ये क्या हो जाएगा, हम लोग का थ्री इंटू रूट सेवेंटी टू, इसको लिख सकते हैं थर्टी सिक्स टू का, थर्टी का रूट आएगा सिक्स, ठीक है। तो ये जो थर्टी का रूट आएगा सिक्स आ गया, राइट इंटू रूट टू बचा, तो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ना हमको बिना थर्ड वाला, यानी बिना स्क्वायर रूट का साइन, हमको क्या मिला, रूट टू इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे फोर रूट इलेवन है तो फोर रूट इलेवन में रूट इलेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो दिस इज व्हाट, रूट इलेवन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से ही हमको ये मिलने वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फोर अपॉन सेवन अंडर रूट वन फोर्टी सेवन प्लस थ्री अपॉन एट अंडर रूट वन नाइन्टी टू माइनस वन अपॉन फाइव अंडर रूट सेवेंटी फाइव, समझ में आया सबको। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले 147, यहाँ पे देखो 147 को हम लोग लिख सकते हैं 49 3 का, ऐसा नंबर लिया
जिसमें उसका रूट आ जाता है 49 3 192 को लिख सकते हैं 64 3 और 75 को लिख सकते हैं 25 3। देखो सारे नंबर को ऐसे लिखा जिसमें हर बार क्या हो रहा है इंटू थ्री हो जा रहा है 49 × 3 64 × 3 एंड 25 × 3। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब यहाँ पे 49 तो रूट अगर नहीं समझाओ। अच्छा ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो, धीरे से बोलो। देखो ये जो 47 है, 147 ये क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है 147, इसमें 147 को हमने लिखा है 49 3 190 को लिखा 64 × 3 दिख रहा है और 75 को लिखा 25 × 3। तो ये हमने इंटू थ्री क्यों लिखा है, क्योंकि हमको एक ही नंबर अंदर होना चाहिए कॉमन में। ऐसे तो हम लोग 192 को लिख सकते हैं, 81 दूसरा कोई फैक्टर भी कर सकते हैं, 36 से भी कर सकते हैं, ठीक है तो अलग अलग फैक्टर हो गए, 32 से भी कर सकते हैं, 32 8 ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है तो वो नहीं करना है हमको, ठीक है 32 6 भी हो सकता है ना, 6 2 12 6 18 19 ये नहीं किया हमने, इंटू थ्री वाला ही फैक्टर लिया, ठीक है 64 × 3 क्यों, क्योंकि 64 का एक तो स्क्वायर रूट आ जाएगा और दूसरा 3 हमको मिल जाएगा जो बाकी सब नंबर्स के तरह है, ठीक है सब में 3 कॉमन आ जाएगा। तो सबको समझा ये फैक्टर 49 3 64 3 25 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 49 का रूट लूंगा तो कितना बचेगा रूट में 3, आगे रूट लूंगा तो रूट में क्या बचेगा 3, आगे कितना बचेगा रूट 3। तो ऐसे हर एक जगह पे √3 √3 √3 कॉमन लेने के लिए ही हमको इस तरह का फैक्टर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 कैंसिल हो जाएगा बचेगा हमारे पास 4, 8 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 3, 5 कैंसिल हो जाएगा बचेगा √3, तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 4 + 3 कर लो 7 और यहाँ पे कितना 1, 7 - 1 6 √3 आंसर आ जाएगा। और ये एडिशन सबट्रैक्शन हमने किया हुआ है, √3 को हम लोग लेंगे x, ये 4 × √3 +3 × √3 -√3 याद है, तो ये जो √3 है √3 को लिखेंगे x, 3 × x -x, 4 + 3 7 x -x कितना होता है 6x। समझ में आया सबको? तो x मतलब मैंने x को क्या लिखा, √3 को लिखा है x, है ना, तो इसको x की तरह ट्रीट करते हैं, हमको पता है ये हो गया आंसर 6√3, ठीक है। सब लोग फिर से देखेंगे क्वेश्चन, 4/7 √147 +3/8 √192 -1/5 √175, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का है 147, इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है 49 × 3 और 192 को लिखा है 64 × 3 और इसको लिखा है 25 × 3, ठीक है। समझा क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो अब इसका स्क्वायर रूट जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 3 यानी 49 का रूट आएगा 7, बाहर आएगा 7, 64 का रूट आएगा तो बाहर होगा 8, 25 का रूट होगा तो बाहर होगा 5। वैसे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4√3, ओके 3√3 -√3 बराबर। अब ये आने के बाद 4 + 3 7 7 - 1 6√3 इजी, तो ये हो गया हम लोगों का 6√3, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हम लोग को 5√3 +2√27 +1/√3। तो यहाँ पे पहले तो ये 5√3 आज है, √2 × √27 हमने इसको लिखा 9 × 3 क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले में भी √3 है तो 9 × 3 और 9 का रूट आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 2 × 9 का रूट आ गया 3 √3 तो 5√3 +2 × √3 प्लस, और ये जो 1/√3 है इसको रैशनलाइज करते हैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बराबर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √3/3। समझ में आया सबको ये स्टेप? यहाँ पे हमने क्या किया, पहला वाला जो था 5√3 +2 × 9√3 बराबर,
प्लस वन रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो ये जो रूट थ्री हमने रैशनलाइज करने के लिए किया और इसको हमने फैक्टर कर दिया 9 × 3 बराबर, फिर 9 का रूट ले लेंगे क्या आ जाएगा 3, तो 5√3 प्लस 2 × 3√3 प्लस रूट थ्री इंटू थ्री बराबर, समझा सबको। अब यहाँ पे देखो ये जो 5√3 है, ओके ये 2 × 3 हो गया 6√3, 5 + 6 11, ठीक है। तो ये 11√3, ठीक है, 11√3, 5 + 6 11 रूट थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है 1, ये हो गया 11 + 1/3 रूट थ्री, 11 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 यहाँ पे सपोज नहीं है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 11 × 3 = 33 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 = 3 33 + 1 33 + 1 यानी 34/3√3, ठीक है। तो समझा सबको, 5 + 6 पहले 11 हो गया, 11 + 1/3√3 तो 34/3√3, समझा सभी को, किसी को डाउट? ओके सर, सेकंड स्टेप वापस नहीं आना? ठीक है, देखो सेकंड स्टेप ये है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, यहाँ पे क्या किया, पहला जो 5√3 है वो एज इट इज 2 एज इट इज लिखा, 27 जो रूट के अंदर उसको लिखा 9 × 3, और जो डिनोमिनेटर है रूट थ्री उसको हम लोग क्या किया रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए, अरे डिनोमिनेटर में अगर प्रॉब्लम है हमको डिनोमिनेटर में क्या करना है रूट नहीं रखना, उसके लिए हमने रैशनलाइज किया। तो ये स्टेप हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी देख लो, 5√3 ये एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 का इसमें रूट ले लेंगे हम लोग का मिलेगा 3 बराबर, तो 2 × 3√3 आ गया इससे, ये समझा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर रूट थ्री आ गया और नीचे रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या आता है 3, एक नंबर में 2 रूट होते हैं ना बराबर कि नहीं, तो ये हो गया हम लोग का, तो ये हो गया 5√3 प्लस 2 × 3√3 प्लस रूट थ्री अपॉन 3, समझा सभी को। उसके बाद फिर मैंने क्या किया 2 × 3 = 6 है वो लिख दिया, बाकी सब ऑलरेडी 5 + 6 होता है 11 √3 और ये 1/3 बराबर, तो 11 + 1/3√3 हो गया, दैट इज 34/3√3 हो गया हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया अंजलि झा? यस। चलो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कल, अभी आज के लिए टाइम ओवर हो गया अपना, ठीक है स्टूडेंट्स आज के लिए।